तो दोस्तों इस वीडियो में आपको पांच ऐसे एंड्रॉइड गेम्स बताने वाला हूँ जो कि आपको 50 MB के अंदर में मिल जाएंगे, मतलब 50 MB के अंदर आप इन गेम्स को खेल सकते हो। बहुत ही कमाल के गेम्स है जो कि आप बहुत ही आसानी से अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके खेल सकते हो। तो अगर आपके पास डेटा लिमिटेड है या फिर स्टोरेज का प्रॉब्लम है, फिर भी आप गेम्स वगैरह खेलना चाहते हो तो आप इन गेम्स को ट्राई कर सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। नंबर 5 पर जो गेम है इसका नाम है मॉडर्न स्नाइपर। तो ये जो गेम है आपको सिर्फ 10 MB का मिल जाएगा, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप इसको ओपन करो इसका इंटरफेस कुछ ऐसा मिलेगा, आप इसमें एंडलेस मोड में भी खेल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर लेवल 5 अनलॉक करना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर हम स्टोरी मोड को प्ले करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी एक मतलब लेवल को पार कर दिया है और यहाँ पर ये जो दूसरा वाला जो लेवल है इसको मैं स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको गेम प्ले देखने को मिल जाता है और यहाँ पर ये जो एनिमीज है इनको आपको मारना होगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ से जो है आप इसको जूम वगैरह कर सकते हो और काफ़ी मज़ेदार गेम है, आपको मतलब काफ़ी मज़ा आएगा। लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको सही से खेलना होगा क्योंकि ये जो है रिलोड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। जो गन्स वगैरह है इनको आप अपग्रेड कर सकते हो बाद में, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। तो सबसे पहले हम इनको मारते हैं सही से। तो ये ले भाई साहब, अरे अरे। तो इसका मैं साउंड भी थोड़ा सा आपको सुना देता हूँ, जैसा कि अगर ये रिकॉर्ड हो रहा है तो आप सुन सकते हो। और ओके, तो कहाँ से गोली चल रही है भाई साहब? ओके, तो ये बंदा मार रहा है। तो इस तरीके से आपको इसमें एनिमीज को जो है ख़त्म करना है। ये ले भाई हेडशॉट। अरे ओके, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 सेकंड बचे हैं और हमारा जो मिशन है वो यहाँ पर फेल हो गया है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ दिखा रहा था, तो उस टाइम के अंदर आपको ये जो है कंप्लीट करना होता है। तो काफ़ी मज़ेदार गेम है और अगर आप इसको मतलब अपग्रेड वगैरह करना चाहते हो तो यहाँ से ओके करके तो यहाँ से आप अपग्रेड वगैरह कर सकते हो। आपको यहाँ पर अलग अलग तरह की गन्स वगैरह मिल जाती है, तो उसको अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पर जो है ये जो कैश है उसको आपको अर्न करना पड़ेगा लेवल्स को कम्प्लीट करके। और यहाँ पर आप फ्री में भी इसको मतलब कलेक्ट कर सकते हो, ये जो गोल्ड लिखा है तो इसको आप फ्री में भी ले सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पर फ्री का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके एडवर्टाइज वगैरह वॉच करके आप यहाँ पर गोल्ड कलेक्ट कर सकते हो। तो वो सब कुछ आपको यहाँ पर ऑप्शंस वगैरह मिल जाता है। उसके अलावा भी आप इसमें जो कैरेक्टर है इसको भी अपग्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बैक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आपको कैरेक्टर का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप कैरेक्टर का भी स्किल वगैरह सब कुछ जो है अपग्रेड वगैरह कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर जो है कैश वगैरह अर्निंग करनी पड़ेगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है, आप इसको एक बार जरूर ट्राई कर लेना। तो चलिए फिर नेक्स्ट गेम देखते हैं। नंबर 4 पर जो गेम है इसका नाम है प्रिजन एस्केप। तो ये जो गेम है आपको सिर्फ मिल जाता है 25 MB में और इस गेम में आपको जो है जेल में डाल दिया गया है और जेल से आपको यहाँ पर भाग के निकलना है। तो यहाँ पर आपको जो है बाकी कैदियों के साथ फ्रेंडशिप वगैरह करनी होगी और जो भी गैंगस्टर टाइप लोग हैं उनके साथ जो है आपको मतलब यहाँ पर मतलब उनको मारना है कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा गेम प्ले दिखा देता हूँ। और ये जो गेम है वो काफ़ी मज़ेदार गेम है, आप इसको एक बार ट्राई कर लेना। तो यहाँ पर मैंने इसको ज़्यादा तो नहीं प्ले किया, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको जितना भी प्ले कर दिया है वो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर गेम प्ले देखने को मिल जाता है और इसमें जो है आपको मतलब ओपन वर्ल्ड टाइप ये जो गेम है वो आपको देखने को मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो पहला मिशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर हमें कुछ कैश वगैरह मिल गया है शायद। ओके, तो इसको अभी हमें नेक्स्ट करना है। तो इस तरीके से गेम आपको देखने को मिल जाता है। तो एक जो गेम है वो सिर्फ 25 MB में मिल जाता है जो कि काफ़ी कमाल की बात है और आप देख सकते हो काफ़ी स्मूथ गेम प्ले हो जाता है। तो इस गेम में आपको अलग अलग तरह के मिशंस वगैरह देखने को मिल जाते हैं, कुछ 30 वगैरह मिशंस आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख लेना, काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है, आप इसको चेक कर लेना। तो इसमें आप अलग अलग तरह के वेपन्स को अनलॉक वगैरह कर सकते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस तरह का गेम आपको देखने को मिल जाता है। तो चले फिर फटाफट से अभी यहाँ पर मैं जो है नेक्स्ट गेम के बारे में बता देता हूँ। नंबर 3 पर जो गेम है इसका नाम है माउंटेन क्लाइंब। अब इस गेम का साइज़ आपको सिर्फ मिल जाता है 47 MB का और इस गेम में आपको जो है कुछ इस तरह का गेम प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि आपको एक गाड़ी मिल जाती है यहाँ पर इस तरीके से और इसको आपको सही से यहाँ पर जो है मतलब ले जाना होता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसका साउंड कम कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर जो है कॉपीराइट का कोई इशू ना हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है कुछ इस तरीके से आपको ले जाना है और ये जो गोल्ड कॉइन है इनको आपको कलेक्ट करना होगा, उसकी मदद से आप जो है गाड़ी को अपग्रेड कर सकते हो या फिर चेंज कर सकते हो, मतलब नई नई गाड़ी आप इसमें अनलॉक कर सकते हो।
तो यहाँ पर हमारा जो लेवल है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से आप इसमें इसका जो गेम है वो आप खेल सकते हो। तो यहाँ पर आपको अलग अलग गाड़ी लेने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको अलग अलग तरह की गाड़ी देखने को मिल जाती है। तो जिस भी गाड़ी को आपको अनलॉक करना है उतने कॉइन्स आपको यहाँ पर कलेक्ट करने होंगे। जैसे कि अगर आपको ये वाली गाड़ी चाहिए तो यहाँ पर आपको 4500 जो है कॉइन्स कलेक्ट करने होंगे। तो यहाँ पर आपको जैसा कि मैंने आपको दिखाया था गोल्ड कॉइन, तो ये जो गोल्ड कॉइन है वो आपको यहाँ पर शो करेंगे। तो इतने कॉइन्स आपको यहाँ पर जमा करने होंगे या फिर आप जो है यहाँ पर 5 एडवर्टाइज देख के भी आप इसको अनलॉक कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पर आपको एडवर्टाइज का भी यहाँ पर लोगो मिल जाएगा, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर वॉच ऐड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो बहुत ही आसान और मज़ेदार गेम है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। तो चलिए फिर नेक्स्ट गेम के बारे में देखते हैं। नंबर 2 पर जो गेम है इसका नाम है मैक्रोमा। अब एक बहुत ही मज़ेदार गेम है, इसका साइज सिर्फ आपको मिल जाता है 12 MB का। तो 12 MB में आप इस मज़ेदार गेम को खेल सकते हो। तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट गेम है, क्योंकि बहुत मतलब टाइम पहले मैंने इसको खेला था जब मेरे पास मतलब उतना पावरफुल डिवाइस नहीं था, रैम वगैरह कम था, तो तब मैं इस गेम को खेला करता था। तो काफ़ी मज़ेदार गेम है और इसमें जो है आपको ये रोबोट मिल जाता है। इस रोबोट को जो है आपको यहाँ पर छुपे हुए जो स्टार्स है इनको आपको कलेक्ट कराना होगा। जैसे कि अभी ये जो घर है इसके आजू बाजू से हमें जाना है, तो यहाँ पर आप टच करोगे तो ये रोबोट चलने लगेगा और चलने का स्टाइल भी आप इसका देख सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ेदार है, मतलब देखने में काफ़ी कमाल का लगता है। और इसको आप जो है ये जो बॉक्स है इसको आप उठा के मतलब उसके ऊपर रख देना है, ये जो रोबोट है उसके ऊपर, और यहाँ से आप इसको सरका देना है। तो इस तरीके से ये जो लेवल है उसको कंप्लीट करना है। तो इसको मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करके रखा था इसलिए मुझे पता है कैसे खेलना है। तो आप एक बार इसको ट्राई कर लेना, आपको ज़रूर इसको मतलब आपको खेलने में मज़ा आएगा। तो इसमें काफ़ी सारे लेवल्स देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए फिर मैं नेक्स्ट लेवल और एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो दूसरा लेवल है इसको मैंने ओपन कर दिया है, तो कुछ इस तरह का गेम आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर देख सकते हो ये जो रोबोट है वो चलता काफ़ी कमाल का है जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अभी यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा कैसे खेलना है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है इस गेम को खेल के, लेकिन काफ़ी मज़ा आता है इस गेम को खेल के। ओके, तो ये कुछ इस तरह का गेम है। तो यहाँ पर इसका जो म्यूज़िक है वो भी मैं आपको थोड़ा सुना देता हूँ। ओके, तो अभी हमने इस लेवल को भी कंप्लीट कर दिया है। तो इस तरीके से आप ये जो गेम है वो प्ले कर सकते हो, तो काफ़ी आपको मज़ा आएगा, इसको आप ज़रूर से ट्राई कर लेना। तो चलिए फिर नेक्स्ट गेम देखते हैं। ओके, तो अभी हमारे लिस्ट में नंबर 1 और लास्ट वाला जो गेम है इसका नाम है स्नोबोर्ड मास्टर। तो अब इस गेम का गेम प्ले कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें आपको कुछ देख सकते हो इस तरह का गेम देखने को मिल जाएगा और काफ़ी मज़ेदार गेम है, इसको आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ मैं। ओके, और सिर्फ एक इसका जो साइज़ है वो 19 MB का है, 19 MB का जो साइज़ है इसका, और काफ़ी कम साइज़ है और गेम प्ले भी काफ़ी अच्छा है। तो आपको ये पसंद आएगा ज़रूर से देख लेना एक बार आप डाउनलोड करके। ओके, अरे भाई साहब इधर के। ओके, तो ये साइड चला गया, तो कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ पर बड़ी जंप मारेंगे यहाँ से। अरे अरे, ओके, तो इस तरीके से कुछ आपको यहाँ पर गेम प्ले देखने को मिल जाता है और यहाँ से आप इसको बूस्ट कर सकते हो, मतलब स्पीड बढ़ा सकते हो। तो काफ़ी कुछ इसमें है, ये कॉइन्स वगैरह कलेक्ट करने होंगे, बूस्ट वगैरह जो भी आता है, लेकिन अभी यहाँ पर हमने इसको कलेक्ट नहीं किया, वो मिस हो गया। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह का गेम प्ले देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। तो बस इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और इस तरह के और भी गेम्स आपको अगर जानना है, और भी वीडियोस अगर आपको इसके ऊपर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, इसके ऊपर मैं अलग से और भी वीडियो बना दूंगा और भी हम जानेंगे कि कम साइज में आप कौन से गेम्स खेल सकते हो। तो चले फिर आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।